के 10वीं और 12वीं के छात्र भी बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब जल्द स्टूडेंट्स का ये इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि CBSE जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी करने वाला है। छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ताजा अपडेट के अनुसार CBSE ने बताया है कि 20 मई के बाद कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है। इस साल CBSE बोर्ड क्लास 10वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 13 मार्च तक आयोजित की गई थी। वहीं कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 2 अप्रैल 2024 के बीच आयोजित हुई थी। CBSE बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं एक ही पाली में सभी दिन सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 तक आयोजित हुई थी। इस साल 26 अलग अलग राज्यों के कुल 39 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया था। अकेले राजधानी दिल्ली में 877 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित CBSE बोर्ड परीक्षा में 5.80 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। दूसरी तरफ कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे आसार जताए जा रहे थे कि 10वीं बोर्ड का रिजल्ट शुक्रवार 3 मई को जारी हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल तौर पर अपडेट जारी किए जाने के बाद सभी कयासों पर विराम लग गया और रिजल्ट 20 मई के बाद अनाउंस किया जाएगा। CBSE बोर्ड 10वीं और 12वीं 2024 रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट्स ई मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं 20 से 25 दिनों बाद स्टूडेंट स्कूल से भी मार्कशीट प्राप्त कर सकेंगे। स्टूडेंट्स को सलाह दी गई है कि वो मार्कशीट लेने के बाद उसे चेक कर ले और उसमें किसी भी प्रकार की गलती हो तो उसे ठीक करवा ले। CBSE 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2024 को चेक करने के लिए छात्रों को रोल नंबर, रोल कोड और स्कूल नंबर का प्रयोग करना होगा। CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों को हर सब्जेक्ट के साथ कुल कम से कम 33% अंकों की जरूरत होगी। रिजल्ट जारी होने के बाद अगर कोई छात्र एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो वो CBSE की ओर से आयोजित किए जाने वाले कंपार्टमेंट एग्जाम में भाग ले सकता है। इस एग्जाम के लिए आवेदन रिजल्ट जारी होने के कुछ ही दिन बाद शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं होगा तो वो अपनी कॉपी को रीचेक करवा सकेंगे। इसके लिए स्क्रूटनी फॉर्म जारी होते ही आपको तय डेट में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस साल CBSE के बोर्ड एग्जाम 15 फरवरी से शुरू हुए थे, हालांकि प्रैक्टिस एग्जाम 1 जनवरी से ही शुरू था। CBSE बोर्ड 10वीं और 12वीं दोनों की एग्जाम 15 फरवरी से 2 अप्रैल 2024 तक चले थे। CBSE 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से 13 मार्च तक, जबकि CBSE 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक चली थी। इस साल 39 लाख छात्र छात्राओं ने CBSE बोर्ड के एग्जाम में पार्ट लिया था। वहीं अगर पिछले साल की बात करें तो साल 2023 की 12वीं की बोर्ड परीक्षा में लगभग 16.9 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे, जिनमें से 7.4 लाख लड़कियां और 9.51 लाख लड़के थे। वहीं परीक्षा में कुल 1,12,838 छात्रों ने 90% या उससे ज्यादा नंबर प्राप्त किए थे। वहीं 12वीं में कुल 1,25,700